नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? एक नए ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम चल रहे हैं लखनऊ। लखनऊ तो जाते हैं बार बार, बनाते हैं वीडियो, लेकिन ये वीडियो जो वो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि मैं चल रहा हूँ PGI और अभी 1 से 1.5 घंटे बाद मेरी बस है जिसको पकड़ेंगे। तो रास्ते का सीन एकदम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बहुत बार आप लोगों को रास्ते का सीन व्यूज दिखाते आ रहे हैं। आप आज चलेंगे तो सिर्फ PGI के बारे में, PGI का पूरा जानकारी देंगे आप लोगों को। तो ब्लॉग में बने रहें और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं फिर आप लोगों से, क्योंकि रास्ते का कोई सीन नहीं, डायरेक्ट PGI के मतलब दर्शन करेंगे। क्योंकि PGI से पहले हो सकता है कुछ आप लोगों को लोकेशन दिखा दें, बता दें कैसे आना है कैसे नहीं आना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं रास्ते में मज़ेदार बातों के साथ। मैं आजमगढ़ से निकल कर बाई बस PGI के नज़दीक पहुंचने वाला हूं, और यह हमारी जो बस रुकी थी वो आलमबाग में। आलमबाग से आप जो है चारबाग आएंगे, चारबाग से जो ही ऑटो आपको मिलेगा PGI के लिए, डायरेक्ट आलमबाग से नहीं है। अगर आप ट्रेन से भी उतरते हैं तो चारबाग ही उतरना पड़ेगा। अगर वाई आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से जाते हैं तो आप हमा मऊ उतर कर भी आ सकते हैं। वह आपके सिचुएशन के आधार पे है, रात में है कि दिन में है। वैसे ज़्यादातर आप भोर में भी उतरते हैं तो आ सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। रात के लगभग 5 बज रहे हैं, मतलब भोर के सुबह 5 बज रहे हैं, और हम लोग PGI घूम रहे हैं, PGI में जा रहे हैं। और ये पीछे देख रहे हैं, पीछे से पूरा जंगल जंगल। शुरुआत में BHU जैसा नहीं है कि शुरू में ही हॉस्पिटल है, इसमें कम से कम मान चलिए 500 से 700 किलोमीटर दूर जाने के बाद ही हॉस्पिटल। यह PGI अंदर, ये सामने जो देख रहे हैं बिल्डिंग, ये न्यू PGI है। हाँ, इसके जस्ट पीछे जो है ओल्ड PGI है, दोनों साथ में है। ठीक इसके सामने जो है कार्डियो विभाग का हॉस्पिटल है, जिसको आगे दिखाएंगे भी आप लोगों को। यह भोर का समय है और इसके बाद आगे का जो दृश्य होगा सब दिखाएंगे। यह PGI में ऑपरेशन कराने का समय था ना, तो उस समय हम लोग PGI में भर्ती करके इसके बाद जो है कामधेनु विभाग यह है जहाँ से कुछ पैसा लेना था, इसलिए घूम रहे थे, जा रहे थे, सर्च कर रहे थे। तो उसके आसपास का दृश्य है, ओल्ड PGI से न्यू PGI में सामने आ सकते हैं। ये देखिए ओल्ड PGI इधर है और न्यू PGI सामने था, उसी में हम जा रहे थे। और ये बिल्डिंग्स जो है पुरानी देख रहे हैं आप लोग जो है, और बहुत बेहतरीन है। और अब जो है काम हमारा जो है निपट चुका है, अब चल रहे हैं खाना खाने के लिए। ये देख रहे हैं पूरा भीड़, आप लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी। और यहाँ टोकन से 40 रुपये 60 रुपये खाना मिल जाता है। कढ़ी चावल 40 रुपया, अदर जो भोजन है वो 60 रुपया है, जो सब लोग बैठ के चाव से खा रहे हैं एकदम मस्त होके। यह PGI परिसर में ही देखें एक छोटा सा तालाब बना है, जिसमें कछुआ बैठ के जो है इंजॉय कर रहे हैं, और रंगीन रंग बिरंगी जो है मछलियाँ भी इसमें तैरती नज़र आ रही हैं आप लोगों को। और ये दो जो हैं मज़े ले रहे हैं कछुआ, ये इन्जॉयमेंट आप लोगों को दिखा रहे हैं। साथ में हॉस्पिटल के साथ साथ प्रकृति के साथ भी लोग आराम से जुड़े हैं, और रंग बिरंगी मछलियों को इसमें पाले हुए हैं, विभाग के द्वारा ही पाला गया होगा। और आगे क्या क्या होने वाला है सब दिखाएंगे आप लोगों को इसके जो है। और ये न्यू जो PGI का है, ये ऐसे ही जाके फिर आगे जाके ओल्ड PGI में चले जाते हैं, सब लोग आ जा रहे हैं। और यह नज़ारा आपको अद्भुत देखने को मिल रहा है, रात में नहीं देख पाए होंगे। ये हम लोग बाहर जा रहे हैं दवा लेने के लिए, ये शॉर्टकट रास्ता है जंगल के बीच से। अभी रात में आप लोगों को बताए हुए थे BHU में ठीक जो मेन गेट है उसी के पास से रास्ता है, लेकिन यहाँ मेन कम से कम 800 मीटर अंदर जाने के बाद ही मेन जो है हॉस्पिटल मिलेगा, जो आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये नज़ारा इसका अलग है, लेकिन यह है कि अब अपने सोच और विचार के हिसाब से बनाया गया होगा। और ये प्लांट देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन प्लांट है और AC प्लांट, दोनों साथ में लगे हुए हैं, जो पूरे हॉस्पिटल को सप्लाई दे रहे हैं। और ये एरिया देख रहे हैं, डॉक्टर्स कॉलोनी है, डॉक्टर्स के लिए गाड़ी के लिए हॉस्टल है, सब कुछ व्यवस्थाएँ यहाँ हैं जो आप लोग देख रहे हैं। ये मेन गेट जो आप देख रहे हैं, न्यू PGI या ओल्ड PGI दोनों से ठीक पूरब साइड में बना हुआ है, कैंटीन एरिया के आसपास का ये पूरा परिक्षेत्र है जो आप लोग देख रहे हैं। और आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं, और ये अंदर का बेहतरीन नज़ारा। न्यू जो है ब्लॉक या डायग्नोस्टिक विभाग है जिसमें ब्लड डोनेट किया जाता है। पहले ये ओल्ड PGI में था, लेकिन अब न्यू PGI में शिफ्ट कर दिया गया है, जहाँ बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था है।
ये रात्रि में हम लोग लगभग 7 बजे के आसपास निकले हैं और ये क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, बैठ के आनंद भी लेंगे और साथ में बाहर निकले हैं तो खाना भी खाएंगे और ये पीजीआई से बाहर चल के अब खाएंगे रात में, जो आप लोगों को भी अगर जाते हैं तो दिखाएंगे। और ये सामने जो कार्डियोलॉजी विभाग बता रहे थे, देखिए ये सामने बना है, ठीक न्यू ओपीडी जो पीजीआई ठीक उस न्यू ओपीडी के, यानी न्यू पीजीआई मतलब न्यू ओपीडी के ठीक सामने है और ये दृश्य आप लोगों को ऊपर से देखने को मिल रहा है, जो पूरा दृश्य नज़र आ रहा है। लखनऊ के सिटी से दूरी तो है लेकिन यहाँ से जो दिखा रहे हैं, देख रहे हैं बिल्डिंगें, ये तार पाइप पाइप ही पाइप ऊपर नज़र आ रही है, बाकी फिर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं जो प्रकृति के हिसाब से बहुत अच्छा है। और इस शॉर्टकट रास्ता आप लोगों को दिखाए थे, अभी इससे हम लोग चल रहे हैं फिर मार्केट में कुछ दवा लेना है, क्योंकि दिन में जाने का मतलब दवा लेना और जब रात में जा रहे हैं तो खाना खाने जा रहे हैं, यही हम लोगों का काम है। मैं अब पीजीआई से वापस जा रहा हूँ, तीसरा दिन था आज और क्योंकि छुट्टी इतनी ही है, बाकी आगे पूरे लखनऊ का एंजॉयमेंट कराते हुए चलूँगा। पीछे पीछे अंधेरा भी है, अंधेरा लाइटिंग कम है लेकिन हरा भरा है, पूरा प्रकृति से भरा हुआ है। चलिए आगे फिर मिलते हैं, अभी चलेंगे हम लोग खाना खाएंगे, इसके बाद फिर चलेंगे। जब रिटर्न आते हैं तो मेन गेट पर ही आने के बाद जो है ऑटोज लगे होते हैं जो 4 बाग तक जाते हैं, और 4 बाग तक जाना तो था, उसके बाद फिर जाना है हमको आलमबाग, तो ये घूम के पूरा हम देख रहे नज़ारा और 4 बाग पहुंच भी गए तो आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। जो सीढ़ियां लगी ये मेट्रो की सीढ़ियां हैं 4 बाग, और यहाँ से आलमबाग वाला ये हम जो है ऑटो पकड़ चुके हैं और आलमबाग से ही हमको बस मिलेगी आजमगढ़ के लिए, और वहाँ से हर जगह के लिए मिल जाता है, बहुत सी ऐसी जगह जहाँ के लिए नहीं मिलता है, लेकिन आजमगढ़ के लिए, गाजीपुर के लिए वहीं से मिलता है, मऊ के लिए भी, गोरखपुर के लिए भी वहीं से मिलता है, तो हम आलमबाग चलेंगे। और ये सामने से देख रहे हैं आप लोग, बात करें आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन हम बता देते हैं कि बोलना चाह रहे थे लेकिन ये भीड़, यहाँ भीड़ और शोरगुल है कि सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पूरे पीजीआई का जो क्षेत्र परिक्षेत्र था सबके बारे में जानकारी आप लोगों को दिए, और यहाँ दिखाने के लिए अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए कि कैसे दिखाया जा सकता है, और ये तो सिर्फ हम पहुँचने के लिए, और कौन कौन चीज़ कहाँ है ये बताए आप लोगों को, अगर जानकारी चाहिएगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, फिर आप लोगों को अच्छी वीडियो देंगे और पूरा बिल्डिंग्स के बारे में भी बताएंगे कहाँ कहाँ कौन सा चीज़ उपलब्ध है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।